बिलासपुर जिला पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी उस समय हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान एक युवक से 16.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं जब टीम ने छापा मारा उसमें चिट्टा तस्कर एक अन्य युवक को चिट्टा सप्लाई कर रहा था कि टीम पर नजर पड़ते ही दोनों युवक फरार हो गए, लेकिन टीम के सदस्यों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तस्कर बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर के रहने वाले हैं, जिसके घर पर छानबीन की गई तो घर से 21 मोबाइल फोन और लगभग 30,000 की नकदी बरामद की गई है। बिलासपुर जिला पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी उस समय हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान एक युवक से 16.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं जब टीम ने छापा मारा उसमें चिट्टा तस्कर एक अन्य युवक को चिट्टा सप्लाई कर रहा था कि टीम पर नजर पड़ते ही दोनों युवक फरार हो गए, लेकिन टीम के सदस्यों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तस्कर बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर के रहने वाले हैं, जिसके घर पर छानबीन की गई तो घर से 21 मोबाइल फोन और लगभग 30,000 की नकदी बरामद की गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सिक्योरिटी ब्रांच टीम के इंचार्ज हेड कांस्टेबल संजीव पुंडीर ने बताया कि उक्त आरोपी चिट्टा तस्कर सरगाना के मुख्य सप्लायर में से एक है, जिसके पास से चिट्टा सहित मोबाइल व नगद राशि बरामद की गई है। वहीं दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर बिलासपुर पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। किस तरह की छापेमारी हुई आज? मैं हेड कांस्टेबल संजीव पुंडीर, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पुलिस, और मेरे साथ आज टीम में रवाना थे HSC केवल किशोर, कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल चंचल और सदर से महिला रक्षी मंजू। मंजू हम गश्त पे रवाना थे और जैसे हम गश्त करते हुए रोड़ा सेक्टर की तरफ आए तो हमें यहाँ सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ नशेड़ी व्यक्ति घूमे हैं और नशों का काम यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे ही हम बॉय स्कूल गेट के आगे पहुंचे तो वहां दो व्यक्ति आपस में कुछ चीज हाथ में ले दे रहे थे। तो जब हमें संदेह हुआ कि एक दूसरे को क्या ले दे रहे हैं, तो हमने उन्हें पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये शायद पुलिस है। तो जिसने सामान खरीदा वो कुछ व्हाइट पेपर में, फॉइल पेपर में था, उसने वो तुरंत नीचे फेंक दिया और भागा। तो हमें जब शक हुआ कि ये भागा तो शायद कुछ गलत होगा, तो हमने, हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको पकड़ा और जिसने बेचा वो गली की तरफ जहां बकरियां जैसी बाहर बंधी थी उस तरफ को भागा, और उसने भी भागते भागते हाथ से कोई जेब से चीज निकाली और चीज निकालती ही जो है उसने सड़क पे उसको फेंक दिया। उसको भी हमने, पूरी टीम ने मिलकर काबू किया और जब उनको इकट्ठा करके हम लाए, सामान को चेक किया तो IO किट में मौजूद डिटेक्शन किट से देखने पर वह हेरोइन चिट्टा होना पाया गया। और जिस व्यक्ति ने खरीदा था वो पुड़िया में थोड़ा सा था, तो वो भी हमने रिकवर किया। और उसके बाद हमारे साथ मौका पे गवाह जो है सुधार समिति के दिनेश जी, तनु सोनी जी, ये भी हमारे साथ बाहर ही रोड पे खड़े हुए थे, तो हमारे साथ एक टीम में शामिल थे। तो जब वो भागे हुए व्यक्ति के घर की हमने तलाशी ली तो उसके घर से बहुत सारा संदिग्ध सामान, लगभग 21 मोबाइल फोन और कैश जो लगभग अभी काउंटिंग चली है 30,000 के आसपास तो पहुंच गया है, और इंजेक्शन मिले हैं, चम्मच मिले हैं, फॉइल पेपर मिले हैं, बहुत सारा संदिग्ध वस्तुएं जो है मिली हैं। और SP साहब दिवाकर शर्मा जी ने जब बिलासपुर में ज्वाइन किया तो इन्होंने विशेष हिदायत दी थी कि बिलासपुर में जितने भी ये हेरोइन सप्लायर हैं इनको पकड़ना है, और ये मुख्य सरगना जो है ये माना जाता है। और अभी इसका नाम जो है हमें मालूम पड़ा है, तो अब ये जो है दोनों कस्टडी में ले लिए गए हैं, और इसका नाम जो है इसको गौरी करके बुलाया जाता है और ये शहर का मुख्य सरगना है। तो अभी कार्रवाई जारी है, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जैसे जैसे प्रक्रिया के अनुसार इन्वेस्टिगेशन चलेगी और बाकी सूचना फिर हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, हमारे SP साहब, वो आपको अवगत कराएंगे। ठीक है।